हम कर रहे हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ गृहिणी की खोज। आज ने जो ये खास पहल ली है, इसमें कई सारी महिलाओं को ये एहसास होगा कि वो कितनी कीमती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल कहाँ तक पहुँच गया है। सबसे पहली कंटेस्टेंट हूँ जो यहाँ पहुँची हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है, मैं उनका वेट कर रही हूँ। आई वाज सरप्राइज कि हाउसवाइफ के लिए भी कुछ होता है। मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला है। 125 में मैं सेलेक्ट हुई हूँ। मेरी लाइफ में तो बेस्ट है मेरे लिए। सिर्फ प्रोग्राम में आने से ही मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है और लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। जीतना तो एक नहीं है। थैंक यू आज एंड एनवीडी। मकान तो सभी बनाते पर घर इन्हीं की वजह से बनता है। कभी कोई कहता है नहीं घर में दोनों को कमाना चाहिए, सब थोड़ा बुरा लगता है। देखने की बात यह है कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है और वक्त भी बदल रहा है और हम लोग उसे शायद अब तैयार हैं उस वक्त को और उस बदलाव को अपनाने के। हमारे साथ हैं अभी रोशनी। हालांकि इनसे बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं लेकिन ये थोड़ी सी नर्वस है क्योंकि अब इनका बुलावा आ गया है ऑडिशन रूम में। रोशनी कैसा महसूस कर रही हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस टू बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम लाइक बिकॉज ऑफ एज ए हाउस वाइफ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर लाइक दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ऑडिशन हो चुका है निधि का और निधि हमारे साथ हैं अपने बेटर हाफ के साथ, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। मैं अभी एक सेलिब्रिटी हाउस वाइफ बन गई हूँ। मेरे साथ हैं अंजू। अब उनका ऑडिशन अभी तक हुआ नहीं है, अभी क्या आपके मन में है, क्यों डर रही हैं आप इतना? डर ये लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे वो। बहुत डाउन टू अर्थ जजेस बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं कि भी कोई जज करने के लिए ऐसा नहीं बैठा नहीं। है जैसे फ्रेंड्स बात कर रहे होते आपस में ऐसे लगा। एवरी हाउस वाइफ इज अ विनर। मुझे तो लगा कि आश ने हमें जैसे पंख दिए हैं और मैं उड़ना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग लाइक आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं यहाँ तक आ गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। हमारी इतनी प्यारी प्यारी गृहिणियाँ बिजी हैं ऑडिशन देने में, तो कुछ लोग अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा कुछ बात कर लूँ। कुकिंग तो वैसे मेरी इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मुझे आप बताइए कि चिकन बिरयानी कैसे बनती है। आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिस मतलब वो गूगल पे नहीं मिलेगा क्या? अब यहाँ पे क्या कह रहे हो, आपका ऑडिशन का टाइम आ गया। नहीं, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मुझे नहीं ऑडिशन का टाइम है लेकिन बहुत सारे और भी नहीं मुझे गूगल पे मिल नहीं रहा है, इसलिए मुझे डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सारे गृहिणी। आप लोग सच में ले जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, जाइए ऑडिशन में अच्छा कीजिए। और ओ गॉड, मेरी चिकन बिरयानी तो रह गई लेकिन मुझे लगता है कि इनकी चिकन बिरयानी अंदर जरूर पकने वाली है, तो क्यों ना हम लोग अंदर जाके देखें कि अंदर हो क्या रहा है। मैं अपने प्यारे दर्शकों को अब जजेस से मिलवाना चाहती हूँ। वो उड़ना चाहती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है। अपने आप के प्रति समर्पित रहना ना भूले, अपने शरीर की, अपने मन की और अपनी जो खुशी है उसका वो जरूर ख्याल रखे। जितनी महिलाएं हैं सब में ख्वाहिशें भी हैं और सब में टैलेंट भी है, उनको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ को इतने ज़्यादा रोल प्ले करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अच्छी हाउसवाइफ के अंदर अच्छे मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी अनूठी अनोखी प्रतियोगिता कहीं नहीं हुई। आज इतनी सारी सुपर वुमेन को देखकर बहुत ही प्रेरणा वाली बात लगी। हाउसवाइफ का रोल निभाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है। आज जो हम पत्नियाँ देख रहे हैं वो कहीं पति से इंफीरियर नहीं है। परफेक्ट हाउसवाइफ कंप्लीटली बजट को संभाल करके चलती हैं। आई वुड से आई एम मैरिड टू माय हाउस, आई एम अ हाउसवाइफ। आज के बाद ये औरतें शायद अपने आप को कल सुबह आईने में
बहुत गौर से देखेंगी, अपने आप को पहचानेंगी। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, मदर इन लॉज बड़ी अच्छी हो गई हैं। वी एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू डू दिस एंड दे आर लाइफ लॉन्ग चीफ कोऑर्डिनेटर्स ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। आई फेल्ट दिस इज ग्रेट जॉब व्हाट दे आर डूइंग इट टुडे। ऑल द कंटेस्टेंट वर वेरी कॉन्फिडेंट। शी इज द रियल लाइफ हीरो। परिवार को संस्कार, वो शिक्षा, वो आदर्श देना उनकी जिम्मेवारी होती है। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई डू नॉर्मली फैशन शोज विद मॉडल्स एंड यहाँ पर मॉडल्स बहुत ही स्पेशल हैं, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। माँ, बेटी, पत्नी, बहन, अनगिन तेरे रूप, पर जहाँ जहाँ अंधियार है वहीं वहीं तू धूप। इस साल जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके अंदर एक गजब की तैयारी हमने देखी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। आज की यही सोच आज को कुछ खास बनाती है।